अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सबको मेरी? वालेकुम सर सर, जी। आपकी? जी आ रही सर है। आ रही है। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? भाई जी सर। जी सर आ रही है। ये आज हमारा जो आज का टॉपिक है ना, सर वीडियो भी आ रही है। आ रही है आवाज मुझे सबको? हाँ जी 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 सर सर आज हमारा टॉपिक है बेटा सेक्शन 513 सीआरपीसी, प्रोविजंस एज टू बॉन्ड। ठीक है, प्रोविजंस एज टू बॉन्ड सेक्शन 513, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। ठीक है, क्या है बोला बेटा? डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। अब जो वर्ड रिकॉग्निजेंस है ना बेटा, ठीक है, अब इसको जो डिफाइन किया गया ये बुक में नहीं है, रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन। ठीक है, एक यानी कि आप पहले सुन लो फिर मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप किसी ट्राइब्यूनल के साथ क्या करते हो, एक एग्रीमेंट के जरिए अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्लेज कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, हम आपकी जो तमाम है ना रिस्ट्रिक्शन, आपकी जो तमाम बातें हैं, यानी कि कोर्ट जब भी आपको कहेगी कि आपने इस टाइम कोर्ट के सामने पेश होना है, ठीक है, जब खुद वो बंदा क्या करता है अपने आप को क्या करता था, प्लेज कर लेता था कि जनाब जो आपका हुक्म है मैं इसकी तामील करूंगा, और इसके इवन जो कोर्ट कहती थी, पेशा कोई श्योरिटी लेती थी या बेल बॉन्ड्स कहती थी या बॉन्ड्स कहती थी विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी, जो कोर्ट को बेहतर लगता था ना, इसके इवन जब वो शख्स खुद अपने आप को क्या करवाता था, प्लेज करवा देता था। ठीक है, क्या करवाता था? प्लेज करवा देता था। इस एक्ट को क्या कहते थे? रिकॉग्निजेंस। समझ आ गई बात? क्यों था इसको क्या कहते थे? रिकॉग्निजेंस। ठीक है, अच्छा यस सर। अल्लाह की शान है ना, देखो आज दूसरे तो फैल भी बेड पे लेटा हुए हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं बैठ के और ये बेड पे लेटा हुआ है, अब शर्म इंसान। सर 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 इसमें बेटा रिकॉग्निजेंस पहली बात ये कहता है कि रिकॉर्डेड एप्लीकेशन entered into before a tribunal in which individual pledged to perform the specific act जब आप क्या करते हो किसी भी ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल से मुराद आपकी जो है ये कोर्ट है। ठीक है बेटा, जब आप उसके सामने अपने आप को क्या कर लेते हो, प्लेज कर लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट या एनी अदर एक्ट व्हिच कोर्ट सीक्स टू परफॉर्म फ्रॉम योर साइड। ठीक है जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। सर आ रही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है आपका बेल बॉन्ड, ये शॉर्टी बॉन्ड, ये क्या होता है? ठीक है, अब जो बेल बॉन्ड है ना इज अ रिटन, अब ये लिख लो, लिखनी है तो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम है बेटा, ये मैं लिखता रहूंगा तो फिर ये सारा टाइम इधर गुजर जाए। अब जो बेल बॉन्ड की डेफिनेशन जो शायद आपकी बुक में नहीं है, आप कमेंट्री करोगे ना उसमें ये चीजें आपको मिलेगी। समझ आ गई बेटा बात? अब नेक्स्ट हेडिंग आपने कौन सी देनी है? शोर बहुत आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही बिल्कुल। ये किरण शहजादी जी है अपना माइक कर उसके घर की आवाजें आ रही है, अब नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, समझ आ गई बेटा बात की। अब बात आगे किस चीज की के जो बेल बॉन्ड है ना, बॉन्ड क्या है?
छोटी एंड बेल बोन समझ आ गई। अब पहली बात आपने इसमें क्या लिखनी है, इज अ रिटन अंडर टेकिंग गिवन बाय द अक्यूज्ड पर्सन। ये क्या है बोला बेटा, रिटन ठीक है। अब पहली बात क्या आ गई, ये आपकी रिटन अंडरटेकिंग है जो कौन देता है, अक्यूज्ड, ठीक है, अलोंग विद हिज श्योरिटी। समझ आ गई बात की, यानी कि जो बंदा आपका उसकी जगह पे दे रहा होता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप देख लो इसमें, टू द इफेक्ट इन द केस ही फेल्स टू इफेक्ट इन द केस ही फेल्स टू प्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। या ऐसे देख लो, टू इफेक्ट इन द केस व्हेन ही फेल्स टू टर्न अप फॉर द ट्रायल बिफोर द कोर्ट इज नोन एज बेल बॉन्ड। या शोर्टी या बेल बॉन्ड, ये क्या होती है, एक ही चीजें हैं। समझ आ गई बेटा बात की। अगर आपको क्या होता है, कोई शख्स क्या देता है, अंडरटेकिंग देता है किसी भी, वो शख्स कौन होता है जो आपका अक्यूज होता है, ठीक है, कि जनाब मुझे ड्यूरिंग द ट्रायल जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप को क्या करूंगा, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करूंगा। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा, अब जो बात हमने शुरू करनी है ना, इसमें दो वर्ड इस्तेमाल हुआ, एक रिकॉग्निजेंस का था, एक बेल बॉन्ड का था, ठीक है बेटा, ठीक है। रिकॉग्निजेंस मैंने बता दिया आपको कि एक रिकॉर्डेड जो है आपकी एब्लिगेशन होती है, जो कि एक शख्स बिफोर द होता है, मैं अच्छा इसके बाद बेटा अब नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 513, ठीक है बेटा। दो चीजें थी 513 में, पहले रिकॉग्निशन का मतलब क्या है बेटा, ठीक है समझ आ गई बेटा बात की। रिकॉग्निशन के बाद बेल बॉन्ड किया, ये पहले बताना जरूरी थी। रिकॉग्निशन जो मैंने बता दी कि एक रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन है बाय एनी पर्सन बिफोर द ट्राइब्यूनल, यानी कि एक शख्स जब ऑब्लिगेशन देता है किसके सामने, किसी भी ट्राइब्यूनल के सामने, ट्राइब्यूनल से मुराद आपकी कोई भी शख्स, यानी कि वो ऑफिसर भी हो सकता है, आपकी कोर्ट भी हो सकती है। समझ आ गई बेटा बात की। जो भी ऑफिसर या कोर्ट उसे क्या करना चाहता है, उसकी अपेयरेंस के लिए या फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो उसे कोई भी जी, ये 1948 ओलंबर 1948 जी बेटा, अपना सवाल जो भी आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है सर जी। बोल दो आप बेटा, बोल दो, सवाल करो। 48 कौन है जी? सर सवाल तो कोई नहीं अभी जी, तो फिर तो आपने बेटा रेज हैंड किया है ना, मुझे सवाल का आपको इधर एरर आ गया ठीक। चलो बेटा आगे अब जी सर, दो बातें बेटा मैंने की हैं, एक बात की है मैंने आपकी के रिकॉग्निजेंस किया है। रिकॉग्निजेंस जो वर्ड इस्तेमाल होता है जब आप खुद अपने आप को क्या करते हो, प्लेज कर लेते हो। प्लेज का मतलब पता है ना, कि आप अपने आप को गिरवी रखवा के जब जो आपको ऑफिसर या कोर्ट कहती है आपने उसके मुताबिक अमल करना होता है, इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं रिकॉग्निजेंस। और जो आपका बेल बॉन्ड ये शोर्टी होता है ना, ये आपकी रिटन अंडरटेकिंग होती है गिवन बाय एन अक्यूज्ड, जो आपको अक्यूज देता है किससे, बाय द शोर्टी, किसी भी दूसरे शख्स के लेके देता है, किस मकसद के लिए, टू इफेक्ट इन द केस टू टर्न अप फॉर द ट्रायल बिफोर द कोर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द कोर्ट। ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है। अब 513 की तरफ बेटा मैं आ रहा हूँ, पहली बात, ठीक है, कि जब भी आपको कोई पर्सन, व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट और एनी ऑफिसर, पहली बात क्या कर रहा हूँ, जब भी कोई शख्स को या कोई ऑफिसर बुलाता है या कोई कोर्ट बुलाती है, समझ आ गई, कि क्या करे, टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। समझ आ गई बात की। पहली बात ये बता रहा हूँ, जब कोई
कोर्ट किसी शख्स को या कोई ऑफिसर किसी शख्स को बुलाती है कि वो क्या करे, बेल बॉन्ड फर्निश करे या छोटी करे, विद यानी छोटी या विदाउट छोटी, खुद या अकेला या अपनी जगह पे किसी और को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, समझ आ गई किस मकसद के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी इसमें इन्होंने एक मे एक्सेप्ट लिख दिया कि मे एक्सेप्ट वेयर इट इज डिमांडेड फॉर द गुड बिहेवियर। अगर आपसे उन्होंने ये डिमांड की है ना कि आपने ये चीज क्या करनी है गुड बिहेवियर के लिए, अगर आपसे वो डिमांड करता है, उसके अलावा समझ आ गई बात की, कोई भी ऑफिसर या कोर्ट क्या कर सकती है, उस शख्स को अलाउ कर सकती है टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी, ठीक है, या प्रमेदरी नोट्स। अब पहली बात क्या आ गई बेटा, जब भी कोई ऑफिसर या कोर्ट किसी भी शख्स को क्या कहते हैं कि जनाब आप अपनी अपने हमारे जो है ना हमारे सामने कोई बॉन्ड विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी प्रोड्यूस करो, माँ सिवाय इस हालात में कि अगर वो श्योरिटी या बॉन्ड आपका गुड बिहेवियर के है, गुड बिहेवियर के लिए, जैसे हमने आपको याद होगा 107 में पढ़ा था, 151 में पढ़ा था कि फिर ये 100 लेके आपके जो आपके पब्लिक पीस के मुतल जितने भी थे हमारे 103 से लेके 133 तक जितने भी वो मजिस्ट्रेट आपके पास इख्तियार आपसे 151 तक के टू मेंटेन द पब्लिक पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए वो क्या कर सकता है, आपसे श्योरिटी बॉन्ड ले सकता है, आपको पाबंद कर सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा कोई भी ऑफिसर या कोई भी आपकी कोर्ट क्या कर सकती है, आपको पाबंद कर सकती है किस चीज के लिए, टू डिपॉजिट, आपको परमिशन देगी टू परमिट यू टू सम ऑफ मनी और प्रीमेजरी नोट्स की, आप क्या करो या तो अपनी अमाउंट जमा करवाओ जितनी कोर्ट तयन करेगी, समझ आ गई बात की, टू द सच अमाउंट या जो आपका ऑफिसर ये कोर्ट थिंक्स फिट नीचे इस्तेमाल हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जो भी आपको बेटा कोर्ट कहेगी ना, जो भी कोर्ट आपको कहेगी, याद रखिएगा यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अक्सर होता है बेटा आपको पता है जब भी आपकी बेल होती है ना, तो बेल की जगह आपको कोर्ट कह देती है कि 50,000 के, ठीक है, 50,000 की जमा। जी मिस्टर तैयब बुटर, जी बेटा तैयब आवाज आ रही है, अच्छा इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी, कि इस बॉन्ड का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, ये बॉन्ड मकसद जो हम हमारे सामने जो है ना इन चीजों के क्या मकसद थे, ठीक है। सबसे पहली बात, पहला मकसद इसके ये है टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्ट द सिक्योरिंग द बॉन्ड्स इन द कोर्ट इज टू इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, समझ आ गई बात की। या दूसरी बात, टू फोर्स द पर्सन टू ओबे द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑफिसर और कोर्ट, बॉन्ड के दो मकसद हैं, समझ आ गई बेटा बात की। पहली बात के लिए किस चीज के लिए है भला बॉन्ड के, अगर आप मैं लिख के बताऊं तो बॉन्ड लिख लो नीचे, लिख लो इसके आप जैसे लिखते हैं बॉन्ड, लेफ्ट साइड पे आप बेटा लिख लो आपके आपका पहली चीज आपने लिखनी है टू सिक्योर द अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल, एंड नंबर टू आपने क्या लिख लेना है टू फोर्स द पर्सन टू परफॉर्म या टू ओबे एंड मेंटेन द सिक्योरिटी एंड द पीस एज डिमांडेड बाय या एज डायरेक्टेड बाय द ऑफिसर और कोर्ट, समझ आ गई बेटा बात की, ठीक है। पहली बात मैंने रिकॉग्निजेंस बताई बेटा, उसके बाद मैंने बेल बॉन्ड बताया बेटा, फिर मैंने बेल बॉन्ड का ऑब्जेक्ट बताया, ठीक है, बेल बॉन्ड की ये जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर मैंने प्रोसीजर बताया कि कोई भी ऑफिसर कोई भी आपकी कोर्ट क्या कर सकता है, आपको कह सकता है कि आप क्या करें विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी या सम अप या बाय द वे ऑफ मैजिक नोट्स क्या करें आप इस चीज को डिपॉजिट करवाएं, मां सिवाय इन हालात के अगर वो आपके छोटी बॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, इसके अलावा कोई भी ट्रिब्यूनल आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, परमिशन ग्रांट कर सकता है कि जनाब आप इतनी अमाउंट की क्या करें ये जो है पैसे या आपका जो है वो मैजिक नोट्स क्या करें जमा करवाएं। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया बेटा बेल बॉन्ड के दो, ये जो बॉन्ड ये छोटी जितने भी है ना इसके जो कोड में आए हैं ना, ये जितनी भी जजमेंट्स इस पे आई हैं एपेक्स कोड की, अब अगर आप महमूद की कमेंट्री में जाके नीचे पढ़ोगे तो दो चीजें जो हम नतीजे पे पहुंचेंगे ना बेटा, दो चीजें कि बेल बॉन्ड का पहला जो मेन मकसद होता है ना ऑथेंटिक मकसद वो होती है अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द कोर्ट, समझ आ गई बात की बेटा। उसके बाद दूसरी बात नेक्स्ट जो मैंने आपको बता दी
के जो है टू परफॉर्म एंड मेंटेन, यानी कि कोई अगर आप परफॉर्म कब, जब आपको कोई कोर्ट कहेगी, कोई ट्रिब्यूनल कहेगा, कोई ऑफिसर कहेगा कि जनाब आप आपने क्या करना है, टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड पीस, समझ आ गई बात की, इसके इन दो मकासद के लिए कोर्ट या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी ट्रिब्यूनल आपसे क्या कर सकता है, बेल बॉन्ड डिटरमिन कर सकता है, आपसे मांग सकता है। और अक्सर बेटा आपको पता है ये दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखिएगा 513 में जाके वो क्या होती है, आपने वो बेल बॉन्ड जमा करवाने होते हैं, ठीक है। अब बेल 513 के बारे में कोई बात आपने पूछनी है तो बेटा मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बेटा बात की आपको क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ लो 513 के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद बेटा प्रोसीजर ऑन द फॉर फ्यूचर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अब याद रखना जब आपने बेल बॉन्ड जमा करवाए, ठीक है, फॉर फीच का मतलब होता है सीज करना, उसको कन्फिस्केट कर लेना, उसको अपने आप में रख लेना, और ये कब होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस चैप्टर, ठीक है बेटा, पहली बात यह फॉर फीच या होती क्या है फॉर फीच, ठीक है, यानी कि इसका प्रोसीजर उन्होंने दिया है 514 में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी लेंथी सेक्शन इन दिस चैप्टर, ठीक है, प्रोविजन एज टू बॉन्ड। अब जो मेन चीज होती है अक्सर कार्रवाई यही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर फीच ऑफ बॉन्ड है क्या, समझ आ गई बात की, अब लिख लो फॉर फीच, फॉर फ्यूचर बॉन्ड, पहली बात लिख लो बेटा फॉर फ्यूचर बॉन्ड इज द इनकैशमेंट और इन्फोर्समेंट, फॉर फ्यूचर बॉन्ड इज द इनकैशमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ द गारंटी बाय इट्स बेनिफिशियरी, ऑफ द गारंटी बाय इट्स बेनिफिशियरी अंडर द टर्म्स व्हेन कोर्ट अपीयरेंस इज मिस्ड। समझ आ गई बेटा बात की, जब आपकी कोर्ट अपीयरेंस आप क्या करते हो, मिस करते हो, समझ आ गई बात की, तो फिर कोर्ट क्या करती है, गारंटी से या जो जिसने गारंटी दी होती है या जो उसका बेनिफिशियरी होता है, सपोज अब मैं हूं, मैंने गारंटी दी, समझ आ गई बात की, मेरी इस प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, याद रखिएगा, या मुझे वो उसके मुताबिक इन्फोर्स करवाएगा या इन द फॉर्म ऑफ जो भी अगर मेरी है इनकैशमेंट होगी, ठीक है, जो तमाम टर्म एंड कंडीशंस थी ना फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, समझ आ गई बात की, ठीक है। या इसलिए आसान लफ्जों में लिख लो दूसरी डेफिनेशन, और पर्सन हु पुट अप, पर्सन हु पुट अप द बॉन्ड इज रिकॉर्ड to pay the defendants or accused outstanding bail amount. समझ आ गई बात की, जब मुझे कोर्ट क्या करेगी, जब कोर्ट मुझे क्या कहेगी कि जनाब अब जो आपने गारंटी दी थी उस बंदे की, हम आपकी उस गारंटी के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं, यानी कि उनको फोरफीच करने जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फोरफीच ऑफ द बॉन्ड। ये है आपकी 514 में पहली जो फोरफीच बॉन्ड की डेफिनेशन है ना बेटा, वो ये है। समझ आ गई बेटा बात की, सर काइंडली फोरफीचर ऑफ बॉन्ड की 514(1), ठीक है, 514(1), व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड, सर अस्सलाम वालेकुम सर, सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, व्हिच बॉन्ड हैज बीन टेकन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास व्हेन द सच पर्सन वाज बाउंड to appear before the court, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपेयर नहीं करेगा, तो फिर जब अपने आपको सामने नहीं करेगा, पेश नहीं होगा, जब कोर्ट ने आपको सपोज 10 तारीख दी थी, जो भी नोटिस आपको कोर्ट अगर वार्निंग देती है, वार्निंग देने के बाद जो टाइम फिक्स होता है, आपने वहाँ पे पेश होना था लेकिन आप पेश नहीं हुए, समझ आ गई बात की बेटा, आप पेश नहीं होते, समझ आ गई बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा कि फॉर फ्यूचर जो बॉन्ड है ना, रिपीट कर रहा हूँ, समझ आ गई बात की, फॉर फीच
अब पहली बात मैं कह रहा हूँ, फोर फीच बॉन्ड इज द इनकैशमेंट और इनफोर्समेंट, इनकैशमेंट और इनफोर्समेंट ऑफ द गारंटी बाय हिज बाय इट्स बेनिफिशियरी अंडर द टर्म्स व्हेन कोर्ट अपीयरेंस इज मिस, जो कोर्ट उसने अपीयर होना था वो क्या होता है, अपीयर नहीं होता, समझ आ गई बात की। या दूसरी डेफिनेशन इसमें लिख लो बेटा, पर्सन हु पुट अप द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिफेंडेंट्स और अक्यूज्ड आउटस्टैंडिंग बेल अमाउंट, समझ आ गई बेटा बात की। ये बात है किसके बारे में, फोरफीचर के बारे में, इसे क्या कहते हैं, फोरफीच ऑफ बॉन्ड, फोरफीचर ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब है फोरफीचर, जब कोई शख्स जिसने पेश होना था वो पेश होता नहीं तो उसके खिलाफ जब प्रोसीडिंग होती है, किसके खिलाफ, जो उसका शोर्टी होता है जिसने उसकी जगह पे वो बॉन्ड जमा करवाए होते हैं, ठीक है बेटा, उसके खिलाफ जब प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फोरफीचर ऑफ दी बॉन्ड, ठीक है। जब ये सामने हो जाए कि कोर्ट मुतमैन हो जाए कि जनाब जिस शख्स ने पेश होना था वो पेश हुआ नहीं, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन, 514 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड या इट हैज बीन सैटिस्फैक्टरी फॉर द कोर्ट द पर्सन व्हिच वाज रिक्वायर्ड ये डिटेल directed was directed to appear before the court at some certain time and date and place, the person missed, he had a such time, the court shall record it the reason and ground